गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इक्वेशंस चेकआउट करेंगे। हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज Q एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 0.2 न्यूटन ऑन अनदर चार्ज 2Q। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इफ द डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर। सिंपल सा है, कूलम्ब लॉ पर फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स इज 0.20, के इज 9 × 10⁻¹। एक चार्ज क्या है Q, दूसरा चार्ज कितना है 2Q, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, मीन्स 1/2 मीटर, 1/2 का होल स्क्वायर। ऊपर चला जाता है 4 × 20/100, 9 × 10⁻¹, क्यू स्क्वायर 4 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 × 5 = 45 × 8 360 10⁻¹. 36 को सेपरेट कर देते हैं 10⁻¹ कर देते हैं। Q इज इक्वल टू 1/36 × 10⁻¹⁰ 1/2। 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1/6, 10⁻¹⁰ का 5। कूल, नोट डाउन कर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी विद चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। चार्जेस दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन पर चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, तो यहां पर क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है 2.5 न्यूटन का। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स इफ दिस डिस्टेंस डी इज चेंज टू ट्वाइस ऑफ डी। सिंपल सा है, बहुत इजी। एफ ओल्ड वाला लेते हैं, दैट इज 2.5, के मैग्नीट्यूड ले रहा हूं क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। नया फोर्स कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाय 2D का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय 4D स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर कितना है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, 2.5/4 न्यूटन। हेंस द न्यू फोर्स इज 2.5/4 न्यूटन। नोट डाउन कर रहे हैं।